और एक पीछे एक तस्वीर दिखाई दे रही है, बहुत सारे लोग बैठे हैं जिनके आंखों में काला चश्मा दिख रहा है, कैसे लोग हैं और ये कहां से आए हैं? हाथ जोड़ के सीवान की जनता जनार्दन जीवन यादव की तरफ से प्रणाम। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मेन उद्देश्य है कि कभी किसी जमाने में लोग हम पे कमेंट किया करते थे, मेरा मेडिकल कैंप बंद हो जाएगा, मेरा प्रेशर करने का सिस्टम बंद हो जाएगा, इलेक्शन जीतेंगे या हारेंगे सब। तो ये आज बहुत दिन के बाद हर बुधवार को हमारे तरफ से गाड़ी जाती है जो मेडिकल कैंप में नोट होता है, 25-30 आदमी हो जाते हैं हर कैंप के द्वारा, आँख का ऑपरेशन होता है। तो आज सडनली हम भी यहीं थे तो सोचे कि क्यों ना हम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी करें कि सिवान हो या किसी भी स्टेट के हमारे या किसी भी स्टेट के डिस्ट्रिक्ट के किसी भी डिस्ट्रिक्ट के कोई भी हो, जो असहाय हो, कमज़ोर हो, जिनकी आंखों से दिखाई ना देता हो, वो हमें कॉन्टेक्ट करे मीडिया के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से, किसी भी माध्यम से हमें कॉन्टेक्ट करे और हम तक हमारे कैंप तक आए, हम उनका आँख का ऑपरेशन करवाना चाहते हैं। जो असमर्थ है, जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पैसा होने के बाद भी बेटा घर से निकाल देता है, दिख नहीं पाते हैं, तो ये हम चाहते हैं कि हमारी बात वहां तक पहुंच जाए, जो लोग मुझे कमेंट करते थे उन तक भी पहुंचे कि मैंने अपना कार्य बंद नहीं किया, वो दिखावा नहीं था मेरा, इलेक्शन के लिए नहीं था, ये कार्य मेरा मेरे दिल से था और मेरी सोच थी कि मैं सिवान के लिए कुछ करूं, अपने लिए कुछ करूं, ऊपर वाले के लिए कुछ करूं, अपने माँ बाप का रोशन नाम रोशन करूं, जो मैं कर रहा हूं। और एक माध्यम भी हो जाएगा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लोगों तक ये मैसेज जाए, लोग जो मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं अपने गांव में, कोई जो अपाहिज टाइप का हो, जिनकी आंखों से रोशनी चली गई हो, उम्र हो ना हो, जिनको पैसा ना हो आंख बनवाने का, वो लोग उनको बताए मेरे बारे में कि जीवन सेवा सदन जाइए, वहाँ आँख का ऑपरेशन निःशुल्क है, जाँच निःशुल्क है, रहन सहन जो भी व्यवस्था है वो सब निःशुल्क है। जीवन जी, केवल बिहार के लोगों के लिए कि बिहार के अलग अलग जिलों से लोगों के लिए कि पूरे देश के लोगों के लिए? पूरे देश के लोगों के लिए व्यवस्था, जो भी मुझे कांटेक्ट कर ले, मैं ये नहीं जानता हूँ किस जाति से, किस स्टेट से, किस जिला से, कहाँ से है, मुझे कोई मतलब नहीं, सिर्फ उनको मुझे ये जानना चाहिए कि उनकी आंखों में प्रॉब्लम हो, ऑपरेशन कराना हो, जो मैं कराऊंगा। ये तो समझ में आ रहा था कि केवल आप बिहार के लोगों के आंखों का इलाज कर रहे थे, चाहे और भी कोई जो मेजर बीमारी होती उसको आप इलाज करवा रहे थे, लेकिन अब ये समझ से जरा बाहर हो रहा है कि पूरे देश के लोगों के लिए आपने ऐलान कर रहे हैं आप, ये कौन सी बोलिए? हम उस समय भी बोलते थे कि जब तक हम सामर्थ्य है मेरे अंदर, अब मैं देखिए ऐसा नहीं कि मेरा बिजनेस बंद हो गया है, भगवान की दुआ से हम जितना खर्च कर रहे हैं उतना कहीं ना कहीं से भगवान हमको आवक भी दे रहे हैं, मेरे कमाई के 75% मैंने वादा किया था डोनेट करने, जो आज भी कर रहा हूँ। तो इस चीज से मुझे लगता था कि मैं अच्छा करूंगा तो मैं एक दिन खत्म हो जाऊंगा, कि ऐसा नहीं लग रहा, भगवान की दुआ से, मेरे माँ बाप के आशीर्वाद से, मेरे लोगों के साथ से मेरा बिजनेस भी ठीक ठाक चल रहा है। मैं जब तक सामर्थ्य है मेरे अंदर लोगों का सेवा करता रहूंगा हर माध्यम से, मेडिकल इलाज हो या शिक्षा हो या किसी भी प्रकार का शादी ब्याह हो, जो भी मैं करता हूँ वो करते रहूंगा। कितने लोगों का आपने ऑपरेशन करवाया और कहाँ भेजे? देखिए, हम शुरू में लगता था ना कि हम जब आए तो हमको लगा कि 1000 करेंगे तो त्रिबल जुबली दुकान मनाते हैं लोग बनाएंगे, लेकिन हम अनलिमिटेड कर दिए हैं और आज ही देख लीजिए इस हिसाब से हर संडे को इतने लोगों का आँख का ऑपरेशन, और जो मेडिकल कैंप में आते हैं पेट के में जो भी छोटी छोटी परेशानियाँ, जो सिवान लेवल पर ऑपरेशन होता हो, बच्चेदानी का हो, महिलाओं का या पथरी का हो, अपेंडिस का हो, इस तरह के काफी ऑपरेशन करवाते हैं, अब गिनती नहीं करते हैं। एक ऑपरेशन कराने में कितना खर्च आता होगा लगभग? नियर अबाउट 50% डिस्काउंट पर डॉक्टर जो सिवान के हैं मुझे ऑपरेशन करके देते हैं, बाहर भेजते हैं, हर जगह कंसेशन है। ये है कि मेरे जीवन सेवा सदन से जो भी जुड़ा है, ऑपरेशन अगर कराता है या कोई भी इलाज कराता है कहीं दूसरे भी जगह के, तो डॉक्टर लोग कॉपरेट कर रहे हैं, 50% डिस्काउंट तो ऐसा ही मेरा है, चाहे गोरखपुर हो या पटना। जीवन यादव जी, बहुत सारे लोग कहते थे कि चुनाव है इसलिए जीवन यादव इस तरह का सेवा कर रहे हैं। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का यही कारण था कि उनके चेहरे पे काली पोतना बहुत जरूरी है, जो लोगों पे कमेंट करता रहे, काम करो ना, कमेंट करने से क्या मिलता है, तुम भी काम करो, कम से कम 10 लोग आँख का ऑपरेशन कराओगे तो अगल बगल में मोहताज नहीं रहोगे पहचान के, और लोगों पे फेसबुक पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हें भी लोग जानेंगे कि तुम अच्छा काम करते हो। जीवन जी, ये तो रहा सवाल आँख का ऑपरेशन वगैरह, चलिए ये तो चलता रहेगा आपका। एक दूसरे खबर पे जरा नजर हम डाल लेते हैं कि लगातार आप जिले के हर क्षेत्रों में घूम रहे हैं, अब कौन सी राजनीति चल रही है जिले में, क्योंकि आप हर लोगों से मिल रहे हैं? बहुत अच्छा राजनीति चल रहा है सिवान का, सिवान के लोग जागरूक हो गए हैं, पहले तो मैं यहाँ था ही नहीं तो मुझे मालूम नहीं था, लेकिन अब सेवादारी, वफादारी, ईमानदारी पे ही चुनाव होगा, चाहे कोई भी चुनाव हो, बड़ा सबसे चुनाव होता है जिले का एमपी का, और छोटा चुनाव होता है सबसे बड़ा वार्ड का, बीडीसी का या मुखिया का, इस सारी चुनाव अब सेवादारी पे, वफादारी पे और ईमानदारी पे होगी। जो सेवादारी करेगा, जो सेवा करेगा जनता की,
वोट जनता उन्हीं को देंगी, चाहे वो किसी भी जाति से हो, किसी भी धर्म से हो। सूचना ये मिल रही थी कि जीवन यादव आने वाला लोकसभा चुनाव लड़ेंगे, क्या ये गलत है या सही है? देखिए, इस पर हम कमेंट नहीं करेंगे। हमने बोला था ना कि राजनीति नहीं करेंगे, लेकिन उस दिन भी बोला, जब हमको राजनीति में परेशान लोग करने लगे तो हम तो खुल के बोल दिए कि जो भी पार्टी अगर हमको एक्सेप्ट करेगी, हमें टिकट किसी भी पार्टी से मिलेगा, अगर मिलता है किसी पार्टी से, अच्छी पार्टी से, तो हम चुनाव जरूर लड़ेंगे। अगर टिकट नहीं मिला तो हम सेवादारी कर रहे हैं, सेवा करते रहेंगे। पावर तो सबको चाहिए, अब हमें मिले तो इससे ज्यादा सेवा करेंगे, अब नहीं मिलेगा तो सेवादारी तो मेरा चलते रहेगा। लेकिन टिकट का पावर नहीं ले सकते, बिना टिकट का पावर कैसे मिलेगा? आपके साथ जनता का आशीर्वाद है, और तो जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो मुझे जाहिर सी बात है, जनता जब हमको चाहेगी तो खुद जनता मुझे चुनाव लड़ा देगी, खुद जनता जीता देगी। इसमें मुझे कहने की क्या जरूरत है कि मुझे चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना। यानी ये माना जाना कि एमपी का चुनाव आप लोग सभा एमपी नहीं, कोई भी चुनाव, एनीथिंग, कोई भी चुनाव जनता का। आने वाला समय वही है। देखिए, एक चुनाव हम देख लिए लड़के, जनता का आशीर्वाद मेरे साथ है, मैं वो कार्य भी कर रहा हूँ। आने वाले चुनाव में सभी राजनीतिक पार्टियां जीवन यादव पर डेरा डाल रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे सुनने को नहीं मिला, अभी तक कोई पार्टी मुझे कांटेक्ट नहीं किया है। अगर कोई पार्टी मुझे कांटेक्ट करेगी तो मैं उनके साथ कदम से कदम मिला के चुनाव लड़ने का भी काम करूंगा, जीतने का भी काम करूंगा। कल तक जीवन यादव को पसंद है, कौन सी पार्टी जो सेवादारी वाला काम करे, जिस पार्टी में सेवा हो, जनता का सेवा। दावा तो सब लोग सेवादारी का ही करते हैं, इसमें कैसे चुनिएगा? अब तो वक्त आएगा तो भी पता चल जाएगा, अभी वक्त नहीं आया है। कल तक जीवन यादव को जो लोग बुरा भला कहते थे, आज वो भला भला कह रहे हैं। ये तो दुनिया का रीत है, अच्छा करने वाले के साथ अच्छा होता ही है, अच्छा जो बुरा कहता है वही सबसे आगे अच्छा कहता है जाके, राजनीति में होता है ऐसा। जो मेहनत करके आपको आगे बढ़ाते हैं वो दूर चले जाते हैं, जो चापलूपाया सा जुमलेबाज होते हैं वो बहुत नजदीक आ जाते हैं। राजनीति का फंडा है, जो हमने कॉलेज लाइफ में भी देखा है, तो उससे हमको मतलब नहीं। हमारा मेन उद्देश्य है सेवादारी पे ही वोट करे जनता, आग्रह भी करते रहेंगे जब तक हम सिवान में हैं, राजनीति में हैं, तब तक यही रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सेवादारी को वोट कीजिएगा तो काम करने वाले लोग आएंगे, और जाति प्रथा और बहकावे में आके वोट कीजिएगा तो काम करने वाले लोग नहीं आएंगे, जुमलेबाज आएंगे, चुनाव जीतने के बाद भूल जाएंगे। हम एक छोटा सा चुनाव लड़के देख लिए, मेरे साथ जनता थी, मैं हूँ तो मैं भी आज जनता में बना हूँ। चुनाव जीतने के एक दिन भी आज मैं एब्सेंट नहीं हूँ, एक दिन भी मैं पूरे, आज चुनाव जीते मुझे काफी दिन हो गया लेकिन एक दिन भी एब्सेंट नहीं हूँ। नहीं तो दूसरा कोई चुनाव जीतता होता तो अभी कहीं मॉरिशस पासपोर्ट होता तो मेरे पास तो पासपोर्ट भी नहीं है, तो हम पासपोर्ट नहीं है तो हम देर दूर नहीं जाते, तो दार्जिलिंग तो घूम ही आते, लेकिन हमें कोई मतलब नहीं है घूमने फिरने से, हमें काम करने में मजा आता है, वही मेरे लिए वर्क, ये जो काम हम कर रहे हैं यही मेरे घूमने का श्रेय है, इसी में मुझे मजा आता है। अब आते हैं सर चुनाव पे, चुनाव हुए, आपको जनता ने आशीर्वाद भी दिया, आपके माध्यम से आपने एक बड़ी लकीर खींची जनता के सहयोग से, जो वादे आपने किए थे। अरे, हम गोरखपुर बनाने का वादा जो किए थे ना आदित्यनाथ जोगी की तरह काम करने वाला, तो उनकी तरह विचारधारा पे काम कर भी रहे हैं, हर काम हम एक्सपोर्ट की तरह तेजी से कर रहे हैं। फर्क है कि मुझे उतना नॉलेज नहीं था कि इसमें रुकावटें भी आती है, आधिकारिक प्रॉब्लम आएगी, पेन पेपर का मामला है, जैसे हम अपने पैसे से जो काम करते हैं ऑन द स्पॉट फैसला कर देते हैं, लेकिन सरकार के पैसे में तो थोड़ा बहुत डिले होगा, ये इतना मुझे नॉलेज था लेकिन देखे नहीं थे। लेकिन अब लग रहा है कि नहीं, जो मैं अपने पैसे से मान लीजिए आंख बनवाने का काम किया तुरंत बनवा दिया, ये सरकार के पैसे से बनवाना होता तो डिले होता, टाइम लगता, तो ये मैं जो महसूस हो गया है कि मैं वादा अब करूंगा तो अपने पैसे से वादा करूंगा तो बोलूंगा ऑन द स्पॉट, और सरकार के जो व्यवस्था से होगी उसको बोलूंगा भाई पेन पेपर का मामला तो वक्त लगेगा। जीवन यादव कुछ वादे अपने अपने जो सरकार से ना हो कुछ वादे खुद का किए थे, पब्लिक में ये अब बातें होने लगी है, बताइए कि काम नहीं हो रहा है तो जीवन यादव। अब छोटा सा काम देखिए, अब आपके पत्रकार बंधु हमारे मित्र भी गए थे, उनके सामने की बात है, हमने लाइट उतरवाया और उसमें कहा गया कि लाइट उतरवाने के बाद हमने पटना से सामान भी मंगाया, नगर पालिका अभी ना बोर्ड हुआ था ना कुछ नहीं गठन हुआ था, लेकिन लाइट उतरवा के सफाई करा के बल्ब मंगा के तार मंगा के नगर पालिका मैंने रखवाने का काम किया, अधिकारी ने साइन ही नहीं किया लगाने का काम, अधिकारी का है ना, उन्होंने परमिशन नहीं दिया, आज पेंडिंग में है। अब जनता तो यही सोच रही होगी लाइट उतरवा दिया लगा नहीं रहे, अब मेरे हाथ में जाता तो हम तो 5 लाख रुपए का सामान मंगा दिए, अपना दिल्ली से भी कुछ सामान पटना से भी मंगा के रखवा दिए, अब लगाने का काम तो अधिकारी का है, अब वो बोल रहे हैं कि हमको प्रभार नहीं मिल रहा है, तो वित्तीय प्रभार बोलते वो नहीं मिला है, अब उसी के प्रॉब्लम में लाइट रुका हुआ है, लोग सोच रहे हो कि हम लगवा नहीं रहे तो अब खरीद के मंगाते क्यों, यानी जो काम में देरी हो रहा है वो एडमिनिस्ट्रेटर की तरफ से आधिकारिक प्रॉब्लम है,
मैं अपने तरफ से फुलफिल, अभी भी जाइए नगर पालिका में, सामान मेरा खरीद के आके रखा हुआ है, उसका बिलिंग भी मैंने बड़ा बाबू को जमा कर दिया कि देखिए इतने का बिल है, मैं अपने पैसे से। जीवन यादव तो वो लाइट जो लगा रहे थे वो खुद के अपने पैसे से लगा रहे अपने थे, पैसे से। तो फिर उसमें बिलिंग की बात कहां से? उसमें उन्होंने कहा भी कि हमको वित्तीय प्रभार नहीं है, 10 आदमी से साइन करा के दीजिए। हमने साइन करा के भी दिया, लेकिन उन्होंने परमिशन ही नहीं दिया लगाने का। अब झगड़ा तो हम करेंगे नहीं अधिकारी से। हमने इतना रिक्वेस्ट किया कि सर 26 जनवरी तक तो लग जाए, कम से कम 26 जनवरी को जलेगा तो सिवान कम से कम अलग दिखेगा। लेकिन अब हमारे हाथ में एक चर्चा चल रही है जिले में कि एक बिहार के बड़े लीडर से आपकी मुलाकात हुई है। जी सत्य है, हम गए थे सिवान के विकास के लिए, जो डिप्टी सीएम है उनसे मुलाकात हुई हमारी। हमने कहा कि सिवान के विकास के लिए कुछ ऐसा अलग करना चाहते हैं, और उनका 100% हमको पूरा मैंने समर्थन भी है कि तुम जो करना है करो, ईमानदारी से करो। हमने उनसे रिक्वेस्ट भी किया कि सिवान के लिए एक ईमानदार अधिकारी भी दीजिए जो ईमानदारी से काम करे, हम लोग मिल के सिवान का विकास का काम करे, तो उनका आशीर्वाद मेरे सर पे बना है। क्योंकि वो जैसे स्कूटी पर भी सर सस्पेंड है, उनके वित्तीय प्रभार का प्रॉब्लम था, लेकिन हम गए थे पटना, मिले भी है और उनका आशीर्वाद हमें मिला भी है। उन्होंने हमसे कहा भी है कि जहाँ जिस तरह से तुम विकास का कार्य करोगे हम तुम्हारे साथ हैं। चुनाव विकास मंत्री वही, शहरी विकास मंत्री वही। चुनाव में वादा किए थे कि अपने फंड से रैन बसेरा बनाएंगे जिसमें 1 रुपया में भोजन मिलेगा। हाँ, उसकी व्यवस्था में हम लगे हैं, अपने जमीन का फाउंडेशन करवाने का काम कर रहे हैं। थोड़ा सा नगर पालिका पहले सुचारू रूप से चालू हो जाए, लोगों को जो वादा किए थे लोगों को दिखने लगे, नहीं तो लोगों का भरोसा जब हमसे उठेगा ना तो राजनीति में फिर कोई किसी से वोट मांगने का काम नहीं। जीवन जी, आपने कहा कि तेजस्वी यादव जी से डिप्टी सीएम से मुलाकात हुई थी, क्या आने वाले भविष्य के बारे में कुछ बातें हुई थी, पॉलिटिकल कुछ? नहीं नहीं, सिर्फ हमने सिवान के विकास पे बात किया, उनसे रिक्वेस्ट किया कि सिवान के लिए हम कुछ नया करना चाहते हैं। उन्होंने हमको आशीर्वाद भी दिया, उन्होंने हमको आशीर्वाद भी दिया, बधाई भी दी कि हम अकेले एक चुनाव को लीड किए और बहुत अच्छे वोट से जब चुनाव जीते, तो जाहिर सी बात है सबका आशीर्वाद मेरे साथ था, जनता का भी और उनका भी आशीर्वाद मिला। अब विकास होगा सिवान का, क्योंकि वहां से उन्होंने आशीर्वाद दिया है, तो जाहिर सी बात है कि विकास होगा। ये तूफान भी आप चाहते हैं कि लोकसभा चुनाव में उनका आशीर्वाद आपको? नहीं नहीं, ऐसा तो हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि अभी राजनीति के आगे के बारे में नहीं जानता। अब तो जो जिम्मेवारियां हमको मिली है, हम चाहते हैं कि भगवान की दया से और उनके दया से, क्योंकि वही गार्जियन हम लोग के, डिप्टी सीएम हम लोग के गार्जियन है, उनके परिवार हम लोग के गार्जियन है, वहां से हम लोग को आशीर्वाद मिले, सिवान का विकास हो, यही मेरी चाह। आपके चुनाव में बहुत सारे ऐसे दिग्गज लोग थे जो आपको चुनाव हराने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन सारे लोग आपके साथ जुड़ गए। कहते हैं खुद ही को कर बुलंद इतना खुदा, खुद बंदे से पूछे बोल तेरी रजा क्या। जीवन यादव एक सोच बन गया था, अभी भी सोच बन गया, मुझे हराने के लिए बड़े लोगों की जरूरत नहीं है, बड़े बड़े लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो राजनीति के परिभाषा को जीवन यादव आपने बदलने का काम किया है, समाज सेवा का। अगर ऐसा लगता है कि राजनीति की परिभाषा हम बदल दिए हैं, तो हम खुश नसीब होंगे कि मुझे इसी परिभाषा का एग्जाम्पल बनने का मौका मिला। वाकई में सेवादारी हमने जो चालू किया कि कमोआ बोला था, ये स्लोगन चलना चाहिए हर इलेक्शन में, कमोआ बोला था। देखिएगा हर जीतने वाला आदमी ईमानदार आएगा और कर्मठ आएगा और काम करने वाला आएगा। जीवन जी, कल पहली बैठक होने वाली है नगर परिषद में, क्या होगा, क्या कुछ आप लोगों ने सोचा? इसी विकास के मुद्दे पर बैठक होने वाली है, उसमें सारे सभी जो यहाँ के सिवान के बड़े नेता हैं, छोटे लीडर है, सबको वहाँ बुलाहट है, वो लोग बैठेंगे और सिवान के विकास पे चर्चा करेंगे। अब जिला का भ्रमण कर रहे हैं और लोगों को मिलने में आपसे दिक्कत हो रही है, यहाँ पे मिलने का कोई समय आपने? हाँ, निर्धारित कर दिए हैं, मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार, 3 दिन हम अपने कार्यालय पे लोगों से मिलेंगे। जनता दर्शन उसका नाम है, जनता दर्शन 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच हम जनता दर्शन करेंगे, लोगों की समस्याएं सुनेंगे, जितना हो सके अपने स्तर से करेंगे। उसमें नगर पालिका का मुद्दा नहीं है, सिवान के कोई भी, जैसे आंखें बनवाने के लिए कोई आएगा तो हम यहाँ बैठ के अपने खुद नोट करेंगे, कोई बीमार आ गया, किसी की शादी हो गई बेटी की, तो कोई भी परेशानी हो यहाँ बैठ के हम 3 घंटा 3 दिन जरूर सुने। तो ये पूरे जिले के लोग आ सकते हैं, पूरे बिहार के लोग आ सकते हैं अपनी प्रॉब्लम लेकर। जो लोग मेरे पर भरोसा करते हैं मेरे दरवाजे पे आएंगे, मैं जनता दर्शन करके उनको पहले सेवा करूंगा, उसके बाद उनका काम करूंगा। नमस्कार।